बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस साधना यूं तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आबिती बयान कर रही है वेटरन एक्ट्रेस तबस्सुम। जी हाँ, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो सच्चाई बताई जिसे हम सब बेखबर हैं। उनका कहना है कि लोग दूसरों की खुशी में तो जरूर शामिल होते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं होता। उन्होंने एक्ट्रेस साधना की अंतिम यात्रा में साधना जी के दुख को बयान करा। सुनिए साधना की आबिती तबस्सुम की जुबानी। साधना जी हमारे बीच में नहीं है, क्या किस दुख? साधना जी हमारे बीच नहीं रही, और जो भी इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, लेकिन साधना जी बहुत दुखी होके गई। आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तन्हा थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनके साथ रहने वाला, केयर करने वाला कोई भी नहीं था। वो कहती थी मौत तो बेचारी बदनाम है, ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ देती है। और वाकई जब तक वो जिंदा रही, आखिरी दिनों तक बेहद तकलीफ में रही। उन्होंने बहुत गुहार लगाई, दोस्तों की रिश्तेदार तो खैर थे नहीं, पति भी नहीं थे, माँ भी वो नहीं बन पाई, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है सब पहुँच जाते हैं, थोड़ी बहुत शर्म हो तो अंतिम संस्कार में भी आ जाते हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में पर्सनली कौन आदमी या कौन औरत कैसे जी रही है, किन हालात में जी रही है, कोई खबर नहीं लेता। मैं बस, मेरे से बोला नहीं जा रहा। हम आपको बता दें, एक्ट्रेस साधना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी जिसने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में भी दी। वो अपने हेयर कट की वजह से भी मशहूर थी। उनके हेयर कट को साधना हेयर कट कहा जाता था। उनकी अंतिम यात्रा में बॉलीवुड के कई वेटरन स्टार्स हुए शामिल।